किसको दी भाई गाड़ी? उनसी बार की वेलेट पर की। सो फाइनली आई एम बैक हियर इन हॉस्टल। हॉस्टल आने का व्लॉग शूट करना था पर अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ से 9 बजे निकला और 10 बजे यहाँ पहुँच गया था। तो रात में तो क्या बताता, जब होम कमिंग वाला व्लॉग डाला था तब मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि आते वक्त जो सीनरी है, जो ब्यूटीफुलनेस है वो दिखाओ रास्ते में आते वक्त। पर क्या दिखा था कि बस में ही सारा टाइम निकल गया और नींद में ही सारा टाइम निकल गया, तो वो शूट नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। और अभी यहाँ पर आ गया हूँ मैं, वो शूट कर रहा था बट वो रह गया, तो इट्स ओके, अगली बार जब भी आएंगे तब शूट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ हूँ और अभी बाहर जाना है और व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। नो, ऐसा नहीं चलता है 18 दिन बाद व्लॉग आ रहा है, क्योंकि जब वहाँ गया लास्ट दिवाली वाला व्लॉग डाला उसके बाद सब कुछ उथल फुथल हो गया था बिजनेस पे। सब बाहर ऐसा था कि भाई किसी को शादी में जाना है, किसी को, तो वो सब भी अटेंड करना ज़रूरी था, तो इतना बिजी हो गया था। टाइम था बट इसके लिए टाइम नहीं था क्योंकि इसको मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता था उस वक्त। सो दैट्स इट, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी बाहर जा रहे हैं हम लोग। तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग शूट कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला व्लॉग कब आएगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि 23 से हमारी जो है फाइनल एग्ज़ाम चालू हो रहे 7 सेम के। एज यू नो आई एम सीनियर नाउ, और ये सीनियर एक और बैठा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर और 23 तारीख तक तो हम फ्री हैं। उसके बाद लगभग 10 दिन 30 तक तो मेन एग्ज़ाम है, और थोड़े बहुत क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हो, बैकलॉग नहीं है तो क्या इंजीनियरिंग की। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स गो। अभी कितने बजे? अभी नियर 6 बजे है। तो अभी जाते हैं बाहर, थोड़ा खाना वाना खाएंगे, और फ्रेंड का बर्थडे है और एक दूसरे फ्रेंड का बर्थडे, वो हम यहाँ पे नहीं थे, 3 तारीख को जिसका बर्थडे था, तो अभी वो भी सेलिब्रेट करेंगे और जिसका बर्थडे है वो भी सेलिब्रेट करेंगे। सो लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से। और एक चीज़ और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वाला जो लुक है, थोड़ा दाढ़ी कम और मुझसे ज़्यादा, वो कैसा लग रहा है? बाल छोटे करा दिए तो आप बताएं एक बार कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थोड़ा आई नो थोड़ी वो मैन वाली फीलिंग आ रही करना है। मुस्टैश वैसे तो आती नहीं है, कम है बट चलता है थोड़ा बहुत, वो कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग आते हुए चले स्टार्ट करते हैं आज की राइड। छोटी राइड है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो निकले हैं। जय भगवान, जय माता दी, सही सलामत पहुंचा देना, कोई आ तो नहीं रहा। चलिए, स्वागत है आपका दूसरे मोटर व्लॉग में एक बार फिर से हमारे चैनल पे VM व्लॉग्स पे। किसका फोन आ गया? मैं, एक सेकेंड। अच्छा, तो बात हो गई थी और बात होते होते उसने बोला कि हम लोग आगे खड़े हैं, तो एक बार मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बाइक पे चलते वक्त या ड्राइविंग करते वक्त बात ना करें तो अच्छी बात है, बेटर फॉर यू और योर लाइफ। कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम जा रहे हैं एक रेस्ट्रो में बात करने के लिए, कुछ पार्टी प्लान करी है उसके लिए, और फिर उसके बाद हम जाएंगे एक बर्थडे पार्टी में। एक बर्थडे पार्टी मतलब 2 बर्थडे पार्टी है और उसमें जाना है। तो अभी यहाँ से निकले हैं, बच्चे लोग वो लोग आगे वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं फटाफट वहाँ पहुँचता हूँ अभी, और होप आज का दिन अच्छा जाए। 6 बजे से ब्लॉग चालू किया है, लेट्स सी क्या होता है आज के दिन में, विल एंजॉय और व्हाट, देखते हैं चलो। और ये नीचे जो डेट आ रही है वो गलत है, ये फुटेज गलत की है, पता नहीं ये डेट क्यों गलत आ रही है। सो लेट्स सी क्या क्या होता है आज के दिन में, चलिए। और देखते देखते यहाँ रात हो गई और फिर हम हमारी मंजिल की ओर, और क्या बताऊँ आपको, सब कुछ इन्होंने ठीक कर दिया पर ये ब्रिज ये लोग ठीक नहीं कर पाए। ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं, या तो पैसे की कमी है या क्या है, कुछ समझ नहीं आता। सो काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग आ रहा है, तो सो के मैं घर चला गया था, और चलता रहता है क्या करे, ज़िंदगी है। तो फटाफट अभी पहुँचते हैं हमारे मंजिल की तरफ जल्दी से, एंड लेट्स सी पहले कहाँ जाएँगे फिर कहाँ जाएँगे। पार्टी तो लेनी बनती है बॉस, फिर उसके बाद एग्ज़ाम आ जाने वाला है तो टाइम तो मिलेगा नहीं। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। हेलो, लॉगिंग चालू है? हाँ। तो ये
दिन ढल चुका है और शाम हो चुकी है. शाम मीन्स अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रही है 6:45. मेरी गॉन नॉइस की वॉच जो मैंने अभी ली थी फिलहाल दिवाली पे जब घर गया था तभी ली. तो अभी दिन हो चुका है, शाम ढल चुकी है, एक जगह जाना है अभी हमको कुछ बात करने के लिए, क्योंकि पार्टी प्लान कर रहे हैं हम लोग फाइनल ईयर की. तो लेट्स सी, वहाँ जाते हैं अभी, एक बात करते हैं, थोड़ा मीनू में चेंजेस करने हैं और मैं बताऊँगा कहाँ पर है वो जगह. वहाँ हम पहले भी गए हुए हैं और ये वत्सल भी आ चुके हैं हमारी नई गाड़ी लेके, बड़े ही खुश है भाई. सो अभी ऐसे निकलते हैं, हम पहुँचे हैं अभी. आपने ठाकुर से तो मिल ही ले हो आप उसके अंदर शॉर्ट के अंदर. सो लेट्स गो, बाकी लाइट थोड़ी कम है, चलो. तो बाइक तो रख दी और भैया की कार लेके जा रहे हैं. यहाँ पे गुजरात में एक बहुत स्पेशलिटी, मतलब किसी भी सिटी में जाओ आपको कार साफ़ करने वाले मिल जाते हैं. गाड़ी दिन में नीचे रखो, सुबह उठो जादू से साफ़ हो जाती है. जादू से साफ मतलब सुबह 7 बजे आके आदमी साफ़ करके जाता है. अच्छा है ना? अच्छा सर, वेल डन. इतना लाल लाल क्यों दिख रहा है तू? ये लाइट है ना बोला बोला क्या करो मेरी जान. यहाँ पे देख, तो वी आर हियर और ये प्लेस है, खरगोश भी है इधर. तो मैं एक बार हम लोग बात कर लेते, एक बार किस तरह से क्या करना है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो बात करने के बाद आपको मिलता हूँ. सो बात सारी हो चुकी है ओनर के साथ और आई होप ये प्लान जो है बहुत ही अच्छा जाएगा. ये सब लोग बैठे हैं यहाँ पे बात कर ही रहे हैं. सो लेट्स सी, प्लान सब फिक्स हो चुका है, बहुत ही अच्छा होने वाला है और जो जो इस पार्टी में आने वाले उनके पास ये लिंक तो पहुँच ही जाएगी, वीडियो का जो है वो पहुँच ही जाएगा. तो एक बार ये जो है ये प्लेस है, नज़ारा एक बार देख ले, काफ़ी अच्छी प्लेस है, शांत है और इसी रोड पे है, 150 फिट रिंग रोड, न्यू रिंग रोड पे है. तो बहुत सारी चीज़ें रखी हैं खाने में, कुछ नियर अबाउट 5 से 7 या 8 आइटम है. तो आई होप सबको मज़ा आएगा और बहुत अच्छे से रखा है कि सबको भी पसंद आए. तो लेट्स सी क्या होता है. तो ये जो बोर्ड देखा आपने, इसमें से 3 चीज़ तो होगी होगी, इस साइड की 3 चीज़ तो डेफिनेटली होगी, उसके बाद कुछ ऐड भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है. तो लेट्स सी कुछ करेंगे. टू वेज कैसे, किसको दी भाई गाड़ी, कौन सी बार की? वेलेट पर की. सो वी आर हियर इन इंपीरियल पैलेस. अनिल अभिषेक, इन दोनों की पार्टी. कितनी पार्टी? यहाँ पे ना पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा, टीवी में अलग चलता और गाना अलग. गलत बात है ना ये तो यार, तो बुरा लग गया, तो बुरा लग गया था. मैं क्या करूँ, लो कर ले. की पानी पूरी तो क्या बोलते हैं, वाटर बॉल्स पानी पूरी मीन्स यू नो. तो 10 रुपये में 7 मिलती है. कन्फ्यूजन है मेनू का, कुछ पता नहीं. खाना बहुत अच्छा था, नो डाउट.
सर्विस इज जीरो खाने के लिए फोर सर्विस के लिए जीरो माइनस वन बकवास पाँच पाँच बार आवाज लगाई है पानी के लिए चम्मच के लिए स्पून के लिए फॉक के लिए वो नहीं आया बिल के लिए एक बार मैं आवाज लगाया एक बार मैं तुरंत ऐसे चुटकी वजह से फिर दिमाग खराब होता है फिर बहुत ये छोड़ो आपकी ड्यूटी नहीं है हमको लाके देना इन लोगों को पता चलना चाहिए और हम मांग रहे हैं तो उन लोगों को खड़ा लेना चाहिए ऐसे ही चल जाता बोल रहे पानी के लिए चलो टेबल टेबल का तो समझ में आता है कि टेबल किसी की होगी होगी फॉर्क और स्पून तो दे सकते हैं ना बोल रहे हो कि 18 बंदे काम पे नहीं आए तो आपको 7 बजे पता चल गया होगा ना ये तो अभी 11 बज रही है किसी को दिक्कत है सर अभी नहीं आया तो उसके लिए प्लीज चलना चाहिए फिर आपकी इम्पीरियल इतना नाम है आपका वेयर हेलमेट फॉर योर सेफ्टी गाड़ी भी पलट सकती है कुछ भी हो सकता है चलो बाय बाय कल मिलते हैं ठीक है थैंक्स फॉर द ट्रीट हेलो भाई लोग हेलो बर्थडे बॉय हेलो हैप्पी बर्थडे मिलते हैं ठीक है अरे या बर्थडे बॉय हेलो थैंक यू चलो चल हैप्पी बर्थडे ठीक है चला मोड़ा मड़ी है तो ठाकुर के घर पहुंच चुके हैं और पता नहीं क्यों इतनी चालू हो गई मुझे थोड़ी थोड़ी देर में हिचकी आ रही है तो पानी पीऊँगा अभी और फटाफट यहाँ से निकलते हैं पहुँचना है 11:30 ऊपर हो गई है और पापा 12:45 हो गई है और पापा को मैसेज भी गया होगा दोनों इसकी वॉच क्या बोल रही है 12:45 हो गई ये देखो तो इसका भी एक वीडियो बनाएंगे अलग से कैसी है रिव्यू देंगे आपको अगर आपको लेनी हो तो ये पेड प्रमोशन नहीं है बट अगर लेनी हो तो अच्छी बात है बाकी देखते हैं क्या देख रहे हो मिलता है ठीक है गुड नाइट हॉस्टल और हाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी बट थोड़ी सी थी जो भी थी वो इतनी ज़्यादा महसूस तो नहीं हुई कि जैकेट पहना हुआ था सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं आई होप यू गाइज हैव इंजॉयड द वीडियो अगर अच्छा लगा किसी भी रीज़न के तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और खुश रहें अपने को खुश रखें अपने आसपास सफाई रखें तो अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो पता नहीं अगला व्लॉग कब आएगा लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी आ जाए सो तब तक के लिए सी यू टाटा बाय बाय